सिंक्रोनाइजेशन, तो आज यही टॉपिक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट होता है, क्योंकि पर्पस कंप्लीट करना नहीं है, पर्पस है इस टॉपिक को समझना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन से ज़्यादा लॉजिक है। बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, लॉजिकली अगर समझ लिया जाए, इसके कंटेंट्स के फ्लो को अगर समझ लिया जाए, क्या क्या टेक्निक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे कैसे करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं समझोगे, सोचोगे, अच्छा एक और रास्ता होता है क्या किसी भी टॉपिक को समझने का, पढ़ने का, कोई भी सब्जेक्ट के लिए, कि अच्छा थ्योरी उतना अच्छा नहीं है, थ्योरी पार्ट अगर उतना अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा, थ्योरी पार्ट डेवलप हो जाएगा और टॉपिक का नॉलेज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पर, क्योंकि अगर चाहोगे क्वेश्चन बनाकर थ्योरी को समझ लें, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, थ्योरी को समझ कर क्वेश्चन बना सकते हो, वो आसान है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करके पढ़ेंगे, हर छोटे छोटे डिटेल्स को देखेंगे, क्योंकि तो इसमें है क्या, इसमें कोड होगा, कोडिंग होगा कुछ, और उस कोड को रन करवाना है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, हर चीज हम लोग देखेंगे। तो पहली बात तो जानो, सिंक्रोनाइजेशन पिछले क्लास में एक रफ स्केच एक बता रहे थे, अभी जो बताएंगे एग्जैक्टली प्रॉपरली मतलब है सिंक्रोनाइजेशन टॉपिक स्टार्ट हो गया। लास्ट क्लास में को ओवरव्यू हम ऐसे ही बताए थे, कुछ समझो कि सिंक्रोनाइजेशन है क्या, थोड़ा सा समझ में आया होगा, तो आज प्रॉपरली देखेंगे। सिंक्रोनाइजेशन जैसे ही बोलें इसका मतलब समझ लेना, जो यहां पर मोर देन वन प्रोसेस है, मोर देन वन प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक ही प्रोसेस है, तो एक प्रोसेस में क्या है, एक प्रोसेस सीधा ही रन कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा। एक से ज्यादा होने में, जब एक से ज्यादा प्रोसेस सिस्टम में रन करेगा, तब कुछ प्रॉब्लम का चांस बनता है कि शायद वो दोनों के एग्जीक्यूशन फ्लो में कुछ रास्ते में ही प्रॉब्लम आ जाए, कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो पाए। अगर कंप्लीट हो गया तो कुछ जो रिक्वायर्ड हम लोग को आउटपुट चाहिए था, रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं आया। एक क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट ही नहीं होगा, बीच में ही रुक जाए आपस में। एक और प्रॉब्लम ए मान लो, फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम हुआ, एक और प्रॉब्लम क्या आ सकता है, कंप्लीट हो गया लेकिन जो आउटपुट चाहिए था हम लोग को वो आउटपुट नहीं मिला। मेनली दो तरह का प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि कुछ कोड को रन करवा रहे हैं तो हम लोग क्या सोच के रन करवाए हैं, कुछ पार्टिकुलर वर्क उस कोड के हेल्प से करवाना चाहते हैं हम लोग, एक पर्पस है ना हम लोग का। तो एक कोड को जब रन करवाएंगे तो देखेंगे कि प्रॉपरली रन भी करे, कंप्लीशन भी हो, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट भी हो, और जो आउटपुट चाहिए हम लोग को वो आउटपुट भी मिले। तो अब क्या है, एक से ज्यादा प्रोसेस होगा तभी ये प्रॉब्लम अराइज होगा, तो मतलब दो प्रोसेस मिनिमम चाहिए, दो प्रोसेस के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, सोचो दो प्रोसेस के बीच में
क्या क्या रिलेशन हो सकता है? दो प्रोसेस के बीच में रिलेशन ये होगा कि मान लो एक प्रोसेस जो है, एक रिलेशन जो है दोनों प्रोसेस के बीच का, वो क्या हो जो दोनों ही इंडिपेंडेंट प्रोसेस हो, इंडिपेंडेंट, दोनों ही इंडिपेंडेंट हो प्रोसेस। एक ये हो सकता है, एक और क्या हो सकता है जो दोनों प्रोसेस कोऑपरेटिव हो, ये भी है ना पॉसिबिलिटी। एक में क्या है, दोनों प्रोसेस इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या P1 और P2 प्रोसेस है, इसका डिफरेंट कोड है और इसका भी डिफरेंट कोड है, दोनों ही टोटली डिफरेंट है, कुछ भी नहीं कॉमन है। इसका अपना कोड है, ये अपना रन करेगा, इसका अपना कोड है, अपना रन करेगा। कहाँ रन करता था? रनिंग स्टेट में। कैसे? रेडी टू रनिंग शॉर्ट टर्म शेड्यूलर लेकर जाता था और प्रोसेस को रन करवाता था। यहां पर क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों सेपरेट है। तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या है, पैरेलली रन कर सकता है, किसी भी सीक्वेंस में रन कर सकता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको लिख देंगे ऐसे कि ये पैरेलली रन कर सकता है दोनों ही प्रोसेस। एक और है क्या, कोऑपरेटिव प्रोसेस, मतलब कि इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा कि एक प्रोसेस है जो दूसरे प्रोसेस को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम का मतलब क्या है, कुछ चेंज ला रहा है। एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो दोनों का है, मान लो P1 के बाद P2 या P2 के बाद P1 या दोनों जब पैरेलल में रन कर रहा हो, तो दोनों के बीच में, दोनों के एग्जीक्यूशन फ्लो में कुछ ना कुछ चेंज ला रहा है। कैसे चेंज ला रहा है, दोनों के कोड में कुछ कॉमन होगा, दोनों का कोड है ना, यहाँ पर क्या कोड है, P1 का कुछ कोड है लिखा हुआ, यहाँ P2 का भी कुछ कोड लिखा हुआ है, ये क्या है, कोड टोटली डिफरेंट। क्या ये जो कोड है टोटली डिफरेंट है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हुआ, इंडिपेंडेंट है, ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है। कोऑपरेटिव में क्या है, एक P1 है प्रोसेस, एक P2 प्रोसेस है, P1 है जो या तो P2 को इफेक्ट कर रहा है, या P2 है, या तो P1 है जो P2 से इफेक्ट हो रहा है, मतलब कि ओह माय गॉड, इंक गिर रहा है, ज्यादा इंक इसमें भरा गया है, बताओ इतना इंक भैया भर दिए, चलो कोई नहीं, एक सेकेंड रुक जाओ, इंक का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने दो। कौन भैया बहरे हैं इतना इंक, जो ओवरफ्लो हो रहा है, हाँ चल, हाथ में भी इंक लग सकता है। अच्छा तो एक चीज समझ रहे हो ना तुम लोग, जो दोनों प्रोसेस है उसके बीच में अगर कुछ भी
कॉमन नहीं होगा, मतलब दोनों सेपरेटली रन कर सकता है अपने अपने टाइम में, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। और अगर दोनों के कोड में कुछ कॉमन होगा, दोनों के कोड में कुछ भी कॉमन होगा, तो पॉसिबिलिटी है क्या जो इफेक्ट्स और या तो P1 इफेक्ट करे P2 को, या फिर P1 इफेक्टेड बाई P2, मतलब या तो P1 P2 को इफेक्ट कर रहा है या इफेक्टेड बाई P2, मतलब कुछ ना कुछ एक दूसरे को डिस्टर्ब किया जा रहा है, कुछ चेंजिंग लाने का कोशिश किया जा रहा है। कहां पर होगा? ये होगा कोऑपरेटिव प्रोसेस में। मतलब क्या है? इसका कुछ कोड है, इसका क्या है, इसका भी कुछ कोड है, तो ये दोनों के कोड में कुछ चीज है जो कॉमन है। देखो, रेड वाला है जो कॉमन है, कॉमन पार्ट या कॉमन कोड जो भी है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल सेक्शन, जिस पार्ट में कॉमन कोड एग्जिस्ट कर रहा है, दो प्रोसेस के बीच का कॉमन कोड जिस पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, उस पार्ट को क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या हुआ? इसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन इज दैट पार्ट ऑफ कोड वेयर कॉमन वेरिएबल्स एग्जिस्ट, जहां एग्जिस्ट कर रहा है कॉमन वेरिएबल। तो जब जब कुछ कॉमन कोड होगा, तब एक चांसेस है क्या कि या तो इफेक्ट करेगा एक प्रोसेस दूसरे को, या फिर दूसरे प्रोसेस से इफेक्टेड होगा। तो जब इफेक्टेड होगा, इसके आउटपुट को सही आउटपुट लाने के लिए क्या करना हम लोग को? यहां पर ही हम लोग को सिंक्रोनाइजेशन करना है। यहां पर क्या करना है? सिंक्रोनाइजेशन टू गेट राइट आउटपुट। क्यों? क्योंकि कुछ कॉमन है, एक दूसरे को इफेक्ट कर रहा है ना। यहां कुछ नहीं करना है, यहां दोनों का ही कोड डिफरेंट है। एक कोड अपना इंडिविजुअल रन कर रहा है, एक कोड इंडिविजुअल रन कर रहा है, ये दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक अपना आउटपुट आएगा, इसका कुछ अपना आउटपुट आया, और इसका भी एग्जीक्यूशन के बाद कुछ अपना आउटपुट आया, और आउटपुट 1 आउटपुट 2 मान लो ऐसे। और इसको रन करवाने के लिए, इसका सही आउटपुट के लिए क्या करना होगा? सिंक्रोनाइजेशन करना होगा। किसके लिए? ये दोनों प्रोसेस के बीच में। तो क्या होगा? सही आउटपुट हम लोग को मिल पाएगा। तो अब इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? इसके बाद देखेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन से क्या क्या प्रॉब्लम आता है। यही है ना, सिंक्रोनाइजेशन करने से क्या क्या प्रॉब्लम होगा, तो देखते हैं क्या क्या टाइप का प्रॉब्लम सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहने से आएगा। क्योंकि कुछ करना पड़ रहा है, सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ रहा है, क्यों आएगा प्रॉब्लम, क्यों अराइज होता है, वो यहां पर बताए कि कॉमन कुछ कोड है, वो कोड
इंडिविजुअली रन नहीं कर पाता है, कोई और इफेक्ट कर देता है उसके रनिंग ड्यूरेशन में, जब रन कर रहा होता है कोड उस टाइम किसी और प्रोसेस का कोड कॉमन होने के कारण वो किसी और से इफेक्ट हो जाता है और सही आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट यूजर को नहीं देता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे सिंक्रोनाइजेशन, जिससे कि हम लोग का डिजायर्ड आउटपुट मिल जाए। तो अभी क्या देखेंगे, अभी देखते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, छोटा छोटा डिटेल्स, बेसिक से हर चीज को पढ़ेंगे, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को समझ लेना, कभी नहीं दिक्कत हुआ सिंक्रोनाइजेशन में। और इससे क्वेश्चन भी आता है, कोई भी एग्जाम रहे, अच्छा एग्जाम है, एक क्वेश्चन इससे देगा, क्यों, ये समझने का चीज है, थियोलॉजिकल चीज है। तो एग्जाम क्या क्यों होता है, टेस्ट करने के लिए होता है, कितना पढ़ा गया है, टेस्ट इससे होगा ना लॉजिकली, कितना स्ट्रांग है सामने का पर्सन, क्या कुछ सोच है, क्या प्रैक्टिकली क्या थॉट है सब्जेक्ट के बारे में, कितना समझ पाता है, कुछ नया सोच सकता है कि नहीं। तो यहां पर क्या आया, सबसे पहला चीज हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला चीज देखेंगे क्या, प्रॉब्लम्स अराइजिंग इफ नॉट हैविंग सिंक्रोनाइजेशन, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं करते तो कितना टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है, पहले जानेंगे प्रॉब्लम को, तभी तो हम लोग सॉल्यूशन, सही सॉल्यूशन के आगे तरफ बढ़ पाएंगे। जब तक प्रॉब्लम नहीं पता होगा, जब तक नहीं पता होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तब तक सिंक्रोनाइजेशन करके कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम पता होना चाहिए, जो क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो रहा है सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहने के कारण। दूसरी चीज क्या जानेंगे, दूसरी चीज जानेंगे जो स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर इम्प्लीमेंटिंग सिंक्रोनाइजेशन, मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए क्या क्या स्टेप करना होगा, मतलब क्या क्या कंडीशन फॉलो करना होगा जिससे कि सिंक्रोनाइजेशन, प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन हो। तो ये भी पता होना चाहिए ना कि अब कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, कुछ मान लो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं, पता ही नहीं है कि सॉल्यूशन में करना क्या क्या है। यहां देखो सीक्वेंस में देख रहे हैं सब, क्या सबसे पहला चीज देखिए क्या प्रॉब्लम है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहने से क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले प्रॉब्लम को देखिए, उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए, ये दो प्रोसेस के बीच में इंप्लीमेंट करने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे, क्या क्या कंडीशंस जरूरी है, यहां कंडीशंस में लिख सकते हो, ऐसे करके लिखो कंडीशंस
conditions required और लिख दो steps और conditions required to be followed for implementing or achieving और achieving synchronization, मतलब synchronization achieve करने के लिए क्या क्या steps, क्या क्या condition follow करेंगे जिससे proper synchronization दो process, दो या दो से ज़्यादा process के बीच में होगा, जिससे जो problem आ रहा था वो problem नहीं आए, वो problem को remove कर दें। तो ये सब steps हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद है सॉल्यूशंस, मतलब कि क्या क्या सॉल्यूशन है सिंक्रोनाइजेशन के लिए, क्या क्या स्टेप है, क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, तो जान लिए। अब सॉल्यूशन क्या क्या है वो सब स्टेप करने के लिए, वो सब स्टेप कैसे करेंगे, वो सब स्टेप को, वो सब कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जो सब कंडीशन रिक्वायर्ड है सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए, तो ये सब कंडीशन को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, एक प्रोसेस में इम्प्लीमेंट करेंगे ये सब कंडीशन को। ये सब कंडीशन को जब इम्प्लीमेंट करेंगे उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं, मतलब कि सॉल्यूशन है वो। तो सॉल्यूशन कितना तरह का है, क्या क्या सॉल्यूशन है, इसमें क्या होगा, रॉन्ग एंड राइट रॉन्ग एंड राइट सॉल्यूशंस, मतलब कि कुछ सॉल्यूशन जो आया है वो सही है और कुछ गलत भी है। तो हम लोग क्या क्या पता होना चाहिए, हम लोग को दोनों ही पता होना चाहिए कि कौन सा सही है सॉल्यूशन और कौन सा गलत है, तब देखेंगे ना कि जो गलत है तो क्यों गलत हुआ था, मतलब गलत होने का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट मीनिंग बोल रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन सही नहीं है, इसका मतलब कि जो जो कंडीशन रिक्वायर्ड था, जो जो कंडीशन सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड था, वो रिक्वायर्ड कंडीशन अगर किसी सॉल्यूशन से नहीं मिल पाया, सब के सब रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं मिल पाया, इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन है जो रॉन्ग सॉल्यूशन है। और जब किसी सॉल्यूशन से जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड कंडीशन मिल गया अगर, तो वो सॉल्यूशन क्या है, राइट सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन चाहिए था वो फुलफिल कर ही दिया जा रहा है, मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन हो गया, सिंक्रोनाइजेशन हो गया मतलब कि सही सॉल्यूशन है ना, वो राइट सॉल्यूशन है फिर। तो मेनली ये तीन तरह के चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहने से, सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। आप ऐसा ऐसा नहीं सोचो ये जो तीन स्टेटमेंट है, नहीं, ये तीन स्टेटमेंट में पूरा सिंक्रोनाइजेशन टॉपिक है, तीन ही स्टेटमेंट में। तो क्या करेंगे, इस एक स्टेटमेंट को कितना देर बताएंगे, इस एक लाइन को 4 घंटा बताएंगे, फिर इस एक लाइन को 4 घंटा बताएंगे, फिर इस एक लाइन को 4 घंटा बताएंगे। बताओ कैमरा वाले भैया को हाफ ही आ रहा है अभी से, कि 3 लाइन को जब 12 घंटा बताएंगे तो बाकी सब लाइन का क्या होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग का, जैसे ही ये तीनों लाइन खत्म होगा मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो जाएगा, बस फिर क्या अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलो पहले वाले को देखते हैं, क्या है प्रॉब्लम्स अराइजिंग इफ नॉट हैविंग सिंक्रोनाइजेशन। तो उस प्रॉब्लम को देखेंगे, कितना तरह का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को कैसे देखेंगे, प्रॉब्लम को कैसे देखेंगे।
जब प्रॉब्लम का बात करते हैं तो सिंक्रोनाइजेशन कहाँ पर जरूरी था? जब एक से ज्यादा प्रोसेस था तब सिंक्रोनाइजेशन जरूरी था ना। तो जब एक से ज्यादा प्रोसेस के लिए सिंक्रोनाइजेशन जरूरी था तो उसमें कुछ कोड था, कुछ कोड में कुछ कॉमन डेटा था, कॉमन वेरिएबल था, तो उस कॉमन वेरिएबल के चलते ही ना सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर कॉमन नहीं था तो क्या था, इंडिपेंडेंट प्रोसेस था, तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस के तो कोई दिक्कत नहीं आया था। जो कोऑपरेटिव प्रोसेस था, जो डिपेंडेंट था, जो कि इफेक्ट कर रहा था किसी और को या किसी और से इफेक्टेड बाई हो रहा था, प्रॉब्लम वहां ही आ रहा था। मतलब क्या है, मिलता जुलता प्रोसेस दोनों था, दोनों कुछ ऐसा काम कर रहा था कि वो दोनों कहीं ना कहीं कोलाइड कर रहा है, किसी जगह पर मिल रहा है। कि एक ऐसा काम है, मान लो एक बहुत सारा एक काम कर रहा है, उसको अगर सब एटॉमिक पार्ट में उसके काम को डिवाइड कर दिया जाए, उसमें एक सब एटॉमिक पार्ट मिनिमम दूसरे वाले के एक सब एटॉमिक पार्ट से कॉमन मिल जा रहा था और इसके चलते ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो इसको कैसे देखेंगे, इसको हम लोग कोडिंग लिख कर देखेंगे, पूरे कोड को लिखेंगे। तो क्या कोड को याद करना होगा? नहीं, कोड को नहीं याद करना होता है। इसको भी मिटाते हैं, चलो हम लोग को स्पेस चाहिए पूरा बोर्ड का। कोड को याद नहीं करना है, एग्जांपल बता रहे हैं, इस कोड को याद नहीं करना, समझना है कि कोड में कैसे कैसे फ्लो चलेगा, ताकि इसके जैसा बाद में कभी कोई कोड दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो उस कोड को हम लोग रन करवा सकते हैं। उस टाइम पहले से कोड रन करवाया हुआ रहेगा तभी ना करवाएंगे। इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 2+2=4 भी नहीं करेंगे। पहले क्या कर रहे थे, शेड्यूलिंग में क्या किए थे, 2, 3, 4, 5 कुछ नंबर आ रहा था। यहाँ पर नंबर भी नहीं आना है, यहाँ पर बस केवल लॉजिकल कनेक्शन होगा कि कैसे कैसे उस कोड के कोड को जब रन करवा रहे हैं तो उसका फ्लो कैसे कैसे चल रहा है। कुछ तरह का है, पहले कोड लिखते हैं, ब्लू पेन से लिखते हैं कोड। तो कोड हमको भी नहीं याद है, कोड याद करना भी नहीं है। कोड जिस दिन याद करना शुरू कर दिए, समझ लो कि सिंक्रोनाइजेशन नहीं समझ में आया और नहीं बनेगा। हाँ, बार बार पढ़ाते पढ़ाते हमको याद हो जाए वो अलग चीज है, या किसी फैकल्टी को याद है बहुत टाइम्स पढ़ाने के बाद वो अलग चीज है, लेकिन कोई कोड को याद कर ले रहा है वो गलत है। याद करना नहीं है, याद हो जाना, किसी को बताते बताते बार बार वो याद हो सकता है।